जैसे कि मैंने बता दिया जनरल साइंस के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आप लोगों को मैंने बता दिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिफाइन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी एंड आयन विद एग्जांपल्स। ये काफी दफा आ चुका है, कभी आ जाता है डिफाइन वैलेंसी और कभी आ जाता है डिफाइन आयन। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन आइसोटोप्स एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। ये टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है साइंस के, लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने क्लास 6 के साइंस के एक्सरसाइजेस को लाजमी करना है, क्योंकि ये क्लास 7 के बुक से लिए गए क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाइड्रोजनेशन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज वैक्यूम फ्लास्क, हाउ इट्स वर्क, वैक्यूम फ्लास्क किस तरह काम करता है। डिफाइन कन्वेक्शन एंड एक्सप्लेन ओशन करंट्स, कन्वेक्शन करंट और ओशन करंट को एक्सप्लेन करना, कन्वेक्शन करंट एंड ओशन करंट को एक्सप्लेन करना। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, what is the difference between parallel and series circuit, define and explain ohm's law, explain ammeter and voltmeter। ये ohm's law तो लाजमी कर ले, okay? ये काफी important question है जो सारे मैं बता रहा हूँ। अब मैं खामोशी इसलिए, मुझे एक एक साल याद आ रहा है कि कौन कौन से साल में ये बार बार आए हुए थे, तो मैं वो सोच रहा था। explain spiral, elliptical and irregular galaxies, इन तीनों में से ना तीनों इकट्ठे नहीं आते, इनमें से कोई एक आ जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ स्टार लाइफ, राइट डाउन द फोर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट डाउन द यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स, राइट डाउन द यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन व्हील एंड एक्सल, राइट अ नोट ऑन एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड हाउ वी मेजर इट। और इसमें एक क्वेश्चन का मेरी तरफ से इजाफा कर दें जो इस दफा आ भी सकता है, बिग बैंग थ्योरी, वो भी लास्ट चैप्टर में है थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, वो भी आ सकती है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग बता दिया कि एक्सरसाइजेस आप लोग 100% करेंगे, उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन करें, एक्सरसाइजेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइजेस आप लोग 100% करें, उसके बाद आप लोग ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में मिस किए जूम की वजह से, वो भी जरा देख लें। हाइड्रोजनेशन के बाद, हाँ, ये क्वेश्चन 16 से लेकर 22 तक, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये मैंने मिस कर दिए, दोबारा देख लें। व्हाट इज वैक्यूम फ्लास्क, हाउ इट्स वर्क, डिफाइन कन्वेक्शन एंड एक्सप्लेन ओशन करंट्स, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर मिराजेस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, डिस्क्राइब लाउडनेस एंड पिच ऑफ ए साउंड, write a brief note on audible frequency range। अब ये क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट हो गए, ठीक है, क्योंकि अगला पेज तो मैं पूरा बता चुका हूँ जो 23 से स्टार्ट हो रहा है।